तो हाय गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज के इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि मुंबई के मेट्रो में पहली बार सफ़र कैसे करें। तो गाइज, मैं प्रेजेंट टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं चकाला प्लेटफॉर्म पे हूँ और मुझे जाना अंधेरी। तो गाइज, आज के इस ब्लॉग में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि मेट्रो में पहली बार सफ़र कैसे करें। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं प्रेजेंट टाइम में चकाला प्लेटफॉर्म पे हूँ और मैं चल रहा हूँ ऊपर। और आज के इस ब्लॉग में कम्प्लीटली मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बता दूंगा कि पहली बार सफ़र मेट्रो में कैसे करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ये एक्सीलेटर सीढ़ी है, मैं इसी के माध्यम से ऊपर जा रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं फाइनली ऊपर पहुँच चुका हूँ और चलते हैं अभी अंधेरी के लिए टिकट लेते हैं और बाकी का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चकाला का प्लेटफॉर्म है, काफ़ी खूबसूरत प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले टिकट लेना पड़ता है और टिकट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको ऑटोमेटिक यहाँ से देखिए अंदर जाना पड़ता है और टिकट आपको मिल जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते, सबसे पहले आपका चेक इन होगा कि आप कुछ लेकर आए हैं कि नहीं लेकर आए हैं। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा चेक इन हो चुका है और मुझे टिकट लेना है अंधेरी के लिए। भैया, अंधेरी के लिए 20 रुपये। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अंधेरी के लिए टिकट ले लिया है, बाकी आगे का प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लॉक है, इस लॉक को खोलने के लिए आपको स्कैन करना पड़ेगा इस साइड में। और देखिए, स्कैन करते ही ऑटोमेटिक खुल गया। तो गाइस, अभी मैं चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म पर, आपकी बाकी का प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बेसमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये चकाला का है। तो गाइस, अभी मैं चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म पर और बाकी आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस, मैं फाइनली चकाला प्लेटफॉर्म पे ऊपर आ चुका हूँ और अभी देखिए ना इस साइड में ना उस साइड में कोई भी मेट्रो नहीं आई है। और मेट्रो आएगी तो मैं उसके अंदर में बैठूंगा, बाकी आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। और देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे पूरी खाली है, कोई भी पब्लिक इधर नहीं है, केवल 2 या 3 लोग हैं। और बाकी गाइस, मैं आपको बाकी का प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेट्रो आ चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे काफ़ी पैसेंजर आ चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेट्रो आ चुकी है और अभी देखिए ये इसके अंदर जो गेट होते हैं ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काफ़ी पैसेंजर अंदर बैठने के लिए रेडी हैं और ये ऑटोमेटिक गेट खुल चुका है और मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेट्रो के अंदर काफ़ी पैसेंजर बैठे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बाहर कभी कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं मेट्रो के बाहर। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर साहब मेरा है अंधेरी और मैं इसके बाहर जा रहा हूँ और देखिए ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक डोर खुल चुका है, मैं इसके बाहर जा रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जितने लोगों को अंधेरी आना था, यहाँ पर देखिए इतनी पब्लिक अंधेरी के लिए आ चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेट्रो का डोर है ना, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेट्रो जा रही है और दूसरा मेट्रो इस साइड में खड़ी है। तो गाइस, फाइनली मैं अंधेरी के प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, बाकी अभी एक प्रोसेस बचा हुआ है क्योंकि मेरे पास देखिए टिकट है। टिकट या काफ़ी लोग इसको टोकन बोलते हैं, तो चलते इसका यूज बताते हैं आपको कहाँ यूज करना है। गाइस, मैं इसके साथ में एक चीज़ और भी बता दूँ कि मेट्रो में सफ़र करने के लिए काफ़ी बेहतरीन मज़ा आता है। और इसका पैसे की बात किया जाए तो पैसे भी बहुत कम लगते हैं सफ़र के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मेट्रो के अंदर भी काफ़ी पब्लिक अंदर आ जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अंधेरी के प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, लेकिन मेरे पास एक प्रोसेस बचा हुआ है कि वो प्रोसेस क्या है। मेरे पास अभी देख सकते हैं टिकट है, टिकट या काफ़ी लोग इसको बोलते हैं टोकन, तो बाकी देखते हैं इसका प्रोसेस या इसका काम क्या है, आगे बताते हैं आपको। और गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि इसकी बात किया जाए तो मेट्रो में सफ़र करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं इस टिकट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी लॉक है
लॉक को खोलने के लिए कैसे खुलेगा, अभी ये लॉक है इसको मैं क्या करूँगा, इस पर स्कैन करना है। तो मैं जैसे इसकर स्कैन करता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक ये खुल गया, और खुलने के बाद मैं इस साइड में बाहर आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं दो सीढ़ियाँ हैं, मैं एक्सेलेटर सीढ़ी के माध्यम से नीचे जा रहा हूँ। तो गाइस मैंने मुंबई के मेट्रो के अंदर सफ़र करने का पूरा प्रोसेस बता दिया, और आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।